टीवी20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। वो तोता पाड़ा ना मुड़ी सर, कितना गांजा पकड़ा गया और कितने लोगों पे कार्रवाई की? देखिए, गांजा तस्कर गैंग थाना कर्मा एसओजी और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त रूप से ये गांजा तस्कर गैंग को पकड़ा है। इनके पास से एक ट्रक में गांजा बरामद हुआ है, जिसका वजन लगभग 9 क्विंटल 81 किलो के लगभग इसका वजन है। ये लोग उड़ीसा से गांजा लेकर आते हैं और राजस्थान में इस गांजे को अवैध रूप से, एक नाम इन्होंने बताया है विशाल अग्रवाल, उस आदमी को देते हैं और वो फिर अगल बगल में और राजस्थान में उस गांजे को फुटकर में बेचता है। इस तरीके का एक गैंग है। इसमें दो लोग पकड़े गए हैं, इनके पास से गांजा बरामद हुआ है 9 क्विंटल 81 किलो, एक ट्रक बरामद हुआ है और एक आदमी इसमें भी वांछित है, विशाल अग्रवाल नाम का, उसको भी हम शीघ्र पकड़ेंगे। इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें कांच, टूटा हुआ कांच ये लोग ऊपर से लाद के लाते हैं गांजे के ऊपर। उस टूटे हुए कांच को फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के लिए दे दिया जाता है और उसी की आड़ में, ये कांच की आड़ में गांजा लेकर उड़ीसा से आते हैं। पहले की हिस्ट्री है क्या सर? अभी तो मालूम नहीं चला है, लेकिन राजस्थान से और अन्य जनपदों से, अन्य राज्यों से इनकी हिस्ट्री हम लोग खंगालेंगे। बिल्कुल, इनका कुछ ना कुछ आपराधिक इतिहास जरूर मिलेगा। जैसा कि इनके द्वारा खुद ही बताया गया है कि 3-4 बार ये लोग पहले भी, इससे पहले उड़ीसा जा चुके हैं और वहाँ से गांजा ला चुके हैं। इसकी लगभग मार्केट कीमत इस गांजे की जो पकड़ा गया है 1 करोड़ रुपया है, जो मार्केट में इसका वैल्यू है। सर, पुलिस प्रशासन को लगातार सफलता मिल रही है, कभी शराब तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी गांजा तस्कर पकड़े जाते हैं। पकड़ लेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें कमी आएगी। इनके ऊपर मतलब जो कानूनी कार्रवाई है वो मतलब एप्लीकेबल होती है अगर निष्पक्ष रूप से, तो फिर मतलब इसमें रोकथाम जो है? जी जी, हमने वांछित किए हैं जो मेन लोग हैं, जो मेन खरीदार हैं और मेन जो बेचने वाले हैं। अभी बीच वाले जो लोग हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं, मेन जो खरीदार और बेचने वाले हैं, जो बड़ा नेक्सस है जिनका, वो लोगों को हम नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन हमारे मुकदमों में वांछित हैं। इन लोगों को जब हम पकड़ लेंगे और इन पर गैंगस्टर इत्यादि की मजबूत कार्रवाई कर देंगे, तो उसके बाद निश्चित तौर पे इन मादक पदार्थों की सप्लाई में कमी आएगी। देखिए, इस रूट से पहले भी इस तरीके से मादक पदार्थों की सप्लाई होती आई है। अभी पुलिस हेडक्वार्टर DGP मुख्यालय के द्वारा, जो है DGP साहब के द्वारा, अभियान चलाया जा रहा है मादक पदार्थों के विरुद्ध, तो इसमें लगातार हम लोगों का फोकस इस तरीके के वाहनों पर है। और बीच में जो पेट्रोल पंप हैं और जो होटल वाले हैं, उन लोगों को भी सचेत किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं से इस तरीके की सूचना इन लोगों के खिलाफ आ जाती है और हम लोगों को लगातार सफलता मिल रही है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो भी रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जो मेन आदमी हैं इनके, राजस्थान के जैसे गांजे में हैं, उड़ीसा के लोग जैसे